फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधि किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीजन जाने वाला है, उससे पहले क्यों ना हम घर पर मैंगो की बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनाकर खा लें। तो फ्रेंड्स, मैंगो की आइसक्रीम बनाने के लिए मैं लिए हैं 2 मैंगो। इनको मैं अच्छे से छील कर पील आउट कर लूँगी। ये देखिए, मैंगो के जो भी छिलके हैं उसको हम अच्छे से छील लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आम के छिलके को छील लिया है। मैंने अपने चैनल पर एक और आम मैंगो से बनने वाली रेसिपी को, आइसक्रीम की रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रखा है। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो वाली आइसक्रीम की रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमने मैंगो को छील लिया है। अब हम इसको इस तरीके से बारीक बारीक पीसेज में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं है और बिना गैस जलाए हम मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से फटाफट से मिनटों में हमने आम को कट कर लिया है और कट किए हुए आम के पीसेज को हम मिक्सर जार में डालकर अच्छे से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके बैटर को एक तरफ रख देंगे। अब ये मैंने ली है 1 बाउल घर की मलाई और 1 बाउल मैंने इसमें लिया है घर का मिल्क, जो नॉर्मल मिल्क होता है वो नॉर्मल मिल्क मैंने इसमें 1 बाउल लिया है और 1 बाउल मैंने घर की फ्रेश क्रीम जो हम दूध में से निकालते हैं वही लिए। बिल्कुल घर के सामान से हम बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनाकर रेडी करेंगे। तो ये देखिए, मैंने मिल्क और क्रीम को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो आम का बैटर बनाकर रखा है उसमें हम इसको डाल देंगे। इस तरीके से हम इसे डालते हैं तो ये बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम का काम करता है। अब हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 चम्मच चीनी, क्योंकि आइसक्रीम में ठंडी चीज़ों में चीनी की मात्रा ज़्यादा ही होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी बन जाता है। अब हम इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे इलायची और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि इसका कितना स्मूदी टाइप का इसका टेक्सचर आया है, कितना स्मूद सा टेक्सचर हमारी आइसक्रीम का आया। अब हम लेंगे आइसक्रीम सेट करने के लिए, अगर आपके पास आइसक्रीम सेट करने के लिए कुछ है तो ठीक, नहीं तो आप डिस्पोजल में या किसी भी बर्तन में, टिफ़िन में भी आप आइसक्रीम सेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आइसक्रीम सेट करने के लिए रख दी है। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ऊपर से फॉइल पेपर। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसके ऊपर कुछ बर्तन भी ढक सकते हैं या फिर आप नॉर्मल घर पर जो पॉलीथीन होती है उसे भी आप इसे कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ओवरनाइट के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अच्छे से हमारी आइसक्रीम फ्रिज हो गई है। और इसके बाद हम लेंगे एक नीचे पानी का भरा हुआ बर्तन, उसमें हम इस तरीके से आइसक्रीम वाले बॉक्स को अच्छे से डिप करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आइसक्रीम को हम डिप करेंगे और बहुत ही आसानी से हमारी आइसक्रीम, जैसे ही इसका आइस नीचे से निकलेगा और हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से निकल कर रेडी होगी। तो ये देखिए, हो गई ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल मैंगो आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी डिलीशियस आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी हो गई है। कौन कहता है कि घर पर आइसक्रीम और घर पर अच्छी अच्छी चीज़ें हम बना नहीं सकते। बिल्कुल बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप मेरी रेसिपीज को अगर अच्छे से फॉलो करोगे और अच्छे से आप इसमें इंटरेस्ट लोगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज आप खुद घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। इस गर्मी लास्ट इस आइसक्रीम को आप इंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।